Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रेमेडी लाई हूँ जिससे विंटर में आप अपने पैरों और हाथों का ख्याल बहुत ही आसानी से घर में रख सकते हैं, जिससे आपका स्किन जो है लाइटन भी हो जाएगा, स्मूथ भी हो जाएगा और आपके हाथ पाँव को ये क्लीन भी कर देगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने हाथ पाँव को इतना मुलायम सॉफ्ट कर सकते हैं। मैं इसे ना हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब विंटर आ जाता है ना तो हमारा स्किन जो है ना एकदम ड्राई होने लगता है और बहुत ही डल लगने लगता है। जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमारा स्किन धूप लगने से हमारा स्किन टैन हो जाता है, उसी तरह से विंटर में भी हमारा स्किन है ना ड्राई हो जाता है और डल लगने लगता है, क्योंकि जब ड्राई होने के बाद हमारा जो ऊपर का स्किन जो है वो डेड हो जाता है, क्योंकि हम उसका अगर स्क्रबिंग वगैरह नहीं करेंगे, जो डेड स्किन है उसे नहीं निकालेंगे, तो हमारा ऊपर का जो स्किन है वो थोड़ा ब्लैक लगने लगता है। तो ये जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक तरीके से आप समझ लीजिए एक नेचुरल ब्लीच की तरह ही है, जो आप इसे आसानी से घर में बना के लगा सकते हैं और आपके हाथों और पाँव को बहुत ही अच्छे से स्मूथ एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेमेडी है ये आप भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी कि बच्चों के लिए क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस हैंड एंड फीट को क्लीनिंग करने के लिए हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम लेंगे एक टेबल स्पून जितना दही और उसके बाद ऐड करेंगे गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लार, और उसके बाद एक इनो। ये फ्रूट सॉल्ट अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बदले, या तो आप हाफ लेमन यूज़ कर लीजिए या तो थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना बेकिंग सोडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही का पानी, जितना आपको ज़रूरत है आप उसके हिसाब से ये दही का पानी इसमें ऐड कीजिए और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर जैसा बन जाएगा ये, जो हमें हाथ में लगाने में आसान हो उस तरीके से आप इस सबको मिक्स कर लीजिए। तो ये एकदम फूलने लगेगा, जिस तरह से हम एक बैटर बनाने के बाद वो फूलने लगता है उसी तरह से ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये बन चुका है। तरह से ये हमारा हैंड एंड फीट को क्लीन करने वाला ब्लीच रेडी हो गया है कि आपने बस इसे इस तरह से पूरे हाथों में आप इसे लगा सकते हैं। इसमें इनो मिलाया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपके स्किन को कोई ये नुकसान करेगा या आपके स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, आप इनो को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो की जगह आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों को लगा रहे हैं तो आप सिर्फ दही और आटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ना आटा मिलाया है। आटा भी आपकी स्किन को वाइटनिंग करता है, मतलब आपकी स्किन में से ना डर्ट वगैरह को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। तो आप आटा से ज़रूर अपनी फुल बॉडी पे भी चाहते हैं तो दही और आटा के साथ में भी आप अपने पूरे बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको आपका स्किन को ये स्मूथ सॉफ्ट करता है, आपके डेड स्किन को निकालता है। हैंड एंड फीट को क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है, जिसे आपको खर्च भी नहीं होगा और घर में दही आटा इनो अगर ना हो तो आप उसे खरीद लीजिएगा, क्योंकि आजकल इनो भी घर में होता ही है। तो इनो अगर आपके पास ना हो तो एक इनो ले लीजिएगा, अगर इनो नहीं है तो नींबू तो होगा, तो नींबू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नींबू सूट नहीं होता है तभी आप इनो का इस्तेमाल कीजिए, या तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा को मिला लीजिए। तीनों में से कोई आपके पास एक हो तो आप उसे मिला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बाद में आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आपको आटा या इनो वगैरह नहीं मिलाना है तो सिर्फ आप दही से भी अपने स्किन के ऊपर मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपका टैनिंग अच्छे से निकलेगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और जो हमने इनो मिलाया है वो एक सॉल्ट है, सॉल्ट आपके हाथों से डर्ट को अच्छी तरह से क्लीन करता है और आटा आपके स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो आप इस तरह से ये इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। सिंपल इंग्रेडिएंट है और सभी के घर में ये होता है, तो ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।